श्री अंगदीप जी को एक ज्ञापन दिया गया, उसमें हमने कई हमारी जो प्रमुख मांगे थी वो रखी, जैसे कि फ्रूट मंडी है, फ्रूट मंडी के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग, फ्रूट मंडी की जर्जर हालत सुधारने से ही शहर की पार्किंग व्यवस्था व एलिवेटेड रोड की समस्या को दूर करने की मांग का सौंपा ज्ञापन। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि आज महासंघ के पदाधिकारी व व्यापारियों ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर व्यापारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण की मांग की है। बंसल ने बताया कि प्रमुख रूप से फ्रूट मंडी की छत की जर्जर हालत को देखते हुए उसकी यथाशीघ्र मरम्मत कराने व फ्रूट मंडी में पेयजल मुहैया कराकर व्यापारियों को राहत देने की प्रमुख मांग के साथ ही सड़कों सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व मंडी सचिव की मनमानी पर रोक लगाने की कलेक्टर से अपील की गई। बंसल ने बताया कि इसी के साथ पुरानी मंडी में पार्किंग व्यवस्था सुधारने, एलिवेटेड रोड का कार्य द्रुत गति से कराने की मांग भी की गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि वे खुद फ्रूट मंडी का दौरा कर हालातों का जायजा लेंगे और जल्द ही व्यापारियों को राहत प्रदान की जाएगी। इस मौके पर फ्रूट मंडी महासचिव प्रशांत भोजवानी, महेंद्र बंसल सहित महासंघ के कई पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से जिलाधीश महोदय श्री अंगदीप जी को एक ज्ञापन दिया गया, उसमें हमने कई हमारी जो प्रमुख मांगे थी वो रखी, जैसे कि फ्रूट मंडी है, फ्रूट मंडी के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ जो छत डली जिसके नीचे व्यवसाय करते हैं करीब 30 साल से, वो जो RCC छत डली हुई है वो ऐसी टूटी फूटी स्थिति में है, अगर वहाँ से एक भी छत का टुकड़ा गिर जाए तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। और वहाँ पर पीने को पानी नहीं है, वहाँ पर मतलब अव्यवस्था ऐसी है, सड़कों का काम आज तक नहीं हुआ है, जबकि वहाँ का जो सेक्रेटरी है करीब 15 साल से वहीं टिका हुआ है और उसको वो अपनी मनमानी करता है, व्यापारियों को धमकियाँ देता है। और एक पुरानी मंडी में जो अवैध पार्किंग बनी हुई है जिससे कि आम पब्लिक का एक आदमी भी ढंग से नहीं निकल सकता, उसको हटाने की हमने कही है। और जो एविले रोड पर जो अभी हादसा हुआ था उसके बारे में हमने काम बंद पड़ा, वो भी काम वापस पुनः चालू करने की मांग की है। कलेक्टर महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो स्वयं जाके फ्रूट मंडी का और जो भी हमारी समस्या उनका खुद देखेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द हमारे जो भी मांगे हैं पूरी करी जाएगी। आज हमारी मंडी की परेशानी लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारी मंडी की परेशानी हम कलेक्टर साहब को पहले ही बता चुके हैं और आज हमने ज्ञापन दे के उनको सब रूबरू करा दिया है। हमारी मंडी के जो भी प्लेटफॉर्म है वो ऐसे हो रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसी है जिस दिन वो गिरता है तो बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। और मंडी का भी जो भी रोड है हमारा, उस रोड से अंदर आने में बहुत परेशानी होती है हमारे को। हम हमारे सेक्रेटरी महोदय को ये बहुत बार बोल चुके हैं पर इस चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को ये अर्जी भी लगाई है कि वो खुद एक बार आके उसको अपनी नज़र से मुआयना करें और उस चीज़ को देखें, देखने से उस चीज़ का पता पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब ने हमारे ये बोला है, वो जो भी इनको टाइम मिलता है वो आके उसको सर्वे करेंगे।